आपके लिए एक शायरी लिखी है, अक्टूबर महीने में बड़ी काम आएगी। तुम रोते हो कि वो मिल जाए, तुम रोते हो कि वो मिल जाए, और हम रो ही पड़ेंगे वो मिल गया तो। तुम रोते हो कि वो मिल जाए और हम रो ही पड़ेंगे वो मिल ही गया तो। क्योंकि जिसे नशा पागलपन और जुनून, जिसे नशा पागलपन और जुनून रस्ते का चढ़ा हो, मंजिल उसके किसी काम की नहीं होती। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी गुरु मां रुक्मणी। अक्टूबर महीने का राशिफल आपके लिए लेकर के आई हूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जानेंगे अक्टूबर के महीने में कौन कौन से व्रत त्योहार यानी कि फेस्टिवल आने वाले हैं। 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक पितृ पक्ष रहेगा, उसके साथ इंदिरा एकादशी जो है वो 10 अक्टूबर को मनाई जाएगी। 15 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ है, नवरात्रि इस बार पूरे हैं इसलिए 24 अक्टूबर तक रहेंगे। 22 अक्टूबर को महाअष्टमी है, 23 अक्टूबर को महानवमी है, 24 अक्टूबर को दशहरा यानी कि विजयदशमी है, 25 अक्टूबर को पापनुष्का एकादशी है और 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। चलिए अब ग्रहों की चाल भी जान लेते हैं। अक्टूबर के महीने में कौन सा ग्रह कहां राशि परिवर्तन करेगा और आपकी राशि पे उसका क्या असर होगा। सूर्य जो है वो कन्या राशि से निकल करके तुला राशि में 18 अक्टूबर को प्रवेश करेंगे। चंद्रमा जो है वो मंथ के स्टार्ट में 1 अक्टूबर को मेष राशि में रहेंगे और मंथ के एंड में वृषभ राशि में रहेंगे, यानी कि 30 अक्टूबर को वृषभ राशि में गोचर करेंगे। मंगल जो है वो कन्या राशि से निकल करके तुला राशि में 3 अक्टूबर को जाने वाले हैं। बुध जो है वो 1 अक्टूबर को कन्या राशि में रहेंगे और चेंज करेंगे फिर से और 18 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति मेष राशि में ही वक्री रहेंगे। शुक्र जो है वो 2 अक्टूबर को सिंह राशि में परिवर्तन कर रहे हैं। शनि जो है वो कुंभ राशि में ही वक्री बने रहेंगे और राहु केतु का मेजर ट्रांजिट अक्टूबर के महीने में हो रहा है, यानी कि जो राहु है वो मेष राशि से निकल करके मीन राशि में चले जाएंगे और ये 30 अक्टूबर को होगा, और जो केतु है वो कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तुला राशि में से निकल करके। चलिए अब जानते हैं कि अक्टूबर महीने का राशिफल आपकी राशि में कैसा रहने वाला है, इन्हें सभी का जो गोचर होने वाला है आप पे क्या इम्पैक्ट डालेगा। ये जो राशिफल है ग्रहों की गणना पर आधारित है और जो इंट्यूटिव एस्ट्रोलॉजी में प्रैक्टिस करती हूँ, यानी आपको देख करके, आपकी ग्रहों को देख करके जो भी मुझे अंदर से आभास होता है, ईश्वर द्वारा मेरी साधनाओं के कारण मुझे जो भी आभास रूप में पता चलता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर कोई राशिफल आपको पूर्णतः सूट नहीं कर रहा है तो हो सकता है आपकी जन्म कुंडली में कोई ऐसी दशा महादशा चल रही हो जिसके कारण आपको पर्याप्त फल उस चेंज का, उस ट्रांसिट का नहीं मिल रहा हो। ऐसे में आप अपनी जन्म कुंडली किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जरूर चेक कराएं। और अगर आप मुझसे यानी अपनी गुरु माँ से कुंडली दिखाना चाहते हैं तो चिंता मत कीजिए, बिल्कुल फ्री निशुल्क हम जन्म कुंडली देखते हैं। हर गुरुवार हम यहाँ पर बैठते हैं दिल्ली में दरबार लगाया जाता है। और चिंता मत करो, सबका नंबर आता है, जो भी आता है, चाहे मुझे कितना भी समय लगे मैं हर व्यक्ति से उतने ही प्रेम से और पूरा समय दे करके बात करती हूँ। निःशुल्क आपकी जन्म कुंडली देखी जाती है। अगर कोई समस्या है उसके लिए एक नारियल 1.25 मीटर लाल कपड़े में बांध करके लाएं, मंत्र सिद्ध करके उसी समय मैं आपको दूंगी ताकि आपकी समस्याएं जो है उसका निवारण हो सके। जो लोग दिल्ली आ नहीं सकते हैं या तो अपने नाम से आप नारियल भिजवा दें अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के द्वारा, वो भी संभव नहीं है तो टोकन नंबर से हम वीडियो कॉल पर बात करते हैं जब भी समय लग पाता है, क्योंकि आप भी समझते हैं गुरु माँ बहुत व्यस्त रहती है, साधना भी करनी है, वीडियो भी बनाना है, 23 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं पूरी दुनिया में तो उनको भी देखना है, समय समय पर नए पुराने लोग चलते रहते हैं, जो मिलने आते हैं उनसे भी मिलना, तो थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अगर आपका टोकन नंबर आ गया है तो आपसे मैं वीडियो कॉल पे जरूर बात करूंगी। अब जानेंगे अक्टूबर में 3 मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में क्या होने वाले हैं। प्यार कैसा रहेगा, परिवार कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा और सबसे जरूरी पैसा कैसा रहेगा। मेष राशि वालों, इस समय आप अपने दिमाग को बहुत ही जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने आपके ऊपर बंधन कर दिया है, जैसे किसी ने आपके ऊपर कुछ कर दिया है। आप उपयुक्त ना तो सोच पा रहे हैं, ना ही सही कदम अपने लिए उठा पा रहे हैं, ना ही सही निर्णय ले पा रहे हैं। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं जो भी काम कर रहे हैं उसमें।
बहुत से लोगों की नज़रें भी इस समय आपके ऊपर टिकी हुई हैं, बहुत से लोग हैं जो आपको नज़र लगा रहे हैं। उसके लिए आपको थोड़ा अक्टूबर महीने में सतर्क होना चाहिए। राहु का परिवर्तन जब होगा तो आपको इस समस्या से काफ़ी निजात मिलने वाला है। इसके साथ ही मैं देख पा रही हूँ कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा आपको इस समय में रह रही है। डिसीजन किसी खासकर दो चीज़ों को लेकर के आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। कोई ऐसी दो चीज़ें हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हो, करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ। वो अगर आप नवरात्रों में यानी कि 15 अक्टूबर के बाद उसका निर्णय लेते हैं तो आपको उसमें लाभ होगा। अक्टूबर के महीने में किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने का आपको अवसर मिलेगा, कुछ ऐसा जिसमें आप बहुत मेहनत करेंगे और आपके पैशन के करीब होगा, यानी आपका बहुत मन लगेगा। आपको रात में भी कोई उठा देगा तो भी आप उसके लिए काम कर पाएंगे। ऐसा कोई काम जो आपके मन के बहुत करीब है, आपको बहुत पसंद है, वो आपको मिलने वाला है और उसी हिसाब से आप उसके लिए मेहनत भी बहुत करने वाले हैं। एजुकेशन अगर है, स्टूडेंट्स करते हैं, एजुकेशन में है, तो उसमें भी पढ़ाई में आपका जो मन है वो लगेगा। डिस्ट्रैक्शन धीरे धीरे करके कम होगी क्योंकि आपका जो पैशन है आपकी पढ़ाई के लिए वो बढ़ने लगेगा। अक्टूबर महीने में मुझे कुछ लोग घूमते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, पुराने दोस्तों से भी मुलाकात हो सकती है। आप कुछ अच्छा समय अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ बिताएंगे जिससे कि आपका जो घर का माहौल है, जहाँ पर काफ़ी फ्रस्ट्रेशन चल रही है, उसमें जो है लाइटनेस आएगी, थोड़ा हल्कापन आएगा। आपस में सब लोग बैठ करके घुलेंगे, मिलेंगे, हंसेंगे, वो अच्छा है। अगर कोई आपका फ्रेंड है जो रूट करके चला गया है, आपसे बात नहीं कर रहा है, तो अक्टूबर में चांसेस हैं कि फिर से आपका रिकंसिलिएशन हो जाए, रीयूनाइट आप हो जाए, एक दूसरे से बात होनी आपकी स्टार्ट हो जाए। मैरिड लाइफ के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही प्रेम प्रीत जो है हस्बैंड वाइफ में होती हुई दिखाई दे रही है। आप एक दूसरे के पूरक होंगे, कहीं ना कहीं रियलाइज़ करेंगे कि गलती दोनों ही साइड से हुई है, सिर्फ एक साइड से नहीं हुई है, और दोनों ही एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मैरिड रिलेशनशिप की बात करें तो ये बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। मंथ के स्टार्ट में आपको धन संबंधी कोई अच्छी खबर मिलेगी, धन आपको प्राप्त हो सकता है, कोई अच्छी डील आप कर सकते हैं। अगर जॉब में हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अक्टूबर महीना ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपको अपना जो स्टैंड है वो सामने रखना पड़ेगा, एकदम डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, तभी जा करके आप अपने जॉब में बने रह सकते हैं और आगे चल के अपना पॉइंट प्रूव करते हुए आप प्रमोशन को प्राप्त कर सकते हैं या फिर अपने सीनियर्स की नज़र में आ सकते हैं। क्योंकि ऐसा योग दिख रहा है कि अक्टूबर महीने के लेटर हाफ में आप अपनी बात को अगर स्ट्रांगली पुट करेंगे तो जो आपके सीनियर्स हैं वो आपको नोटिस करेंगे। मन में संशय ना आने दें। अगर आप इस समय कोई भी सोच रहे हैं तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। ये समय ऐसा होगा कि लोग आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे, आपको खुद अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, अपने आप को समय दें, सोचें, विचारें, प्लानिंग करें और आराम से उस डिसीजन को लें क्योंकि आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, उसमें डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों को बहुत डाउट आ रहा है कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आप बिल्कुल कर लेंगे। पूरा आशीर्वाद गुरु माँ का आपके साथ है, बस अपने ऊपर जो है भरोसा रखें। क्योंकि ये समय ऐसा होगा कोई भी आपके ऊपर भरोसा नहीं रखेगा, हर जगह आपको लगेगा कि लोग आपको रोकने के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन अपना आप डिटर्मिनेशन बिल्कुल मत छोड़िए, अपने आप को मजबूत बनाए रखिए, अपने आइडियाज़ पर टिके रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। मूड इस समय में अक्टूबर में आपका अच्छा बना रहेगा, स्वास्थ्य भी ठीक दिख रहा है। हाँ, योगा जो लोग करते हैं उनके स्वास्थ्य में ज़्यादा सुधार होगा, तो योगा प्रैक्टिस करें। हो सकता है कोई योगा स्टार्ट करने की इच्छा आपकी खुद से हो जाए अक्टूबर महीने में। बाकी स्वास्थ्य के लिए सामान्य रूप से जो आपका स्वास्थ्य है वो बना रहेगा, बस थोड़ी सी टेंशन और स्ट्रेस को आपको खुद ही भगाना होगा। वृषभ राशि वालों, बहुत से लड़ाई झगड़े होते दिखाई दे रहे हैं, खासकर आपके रिलेशनशिप या फैमिली को लेकर के। चिंता मत करिए, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आने वाला समय रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। आपका जो आपके पार्टनर के साथ, आपका जो स्पाउस है उसके साथ, यानी कि वाइफ या हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप अच्छे होंगे। कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ों को हमें थोड़ा तनाव में लेके आना पड़ता है क्योंकि उसी में से हल निकलता है। तो ऐसी कोई सिचुएशन आपकी दिख रही है जहाँ बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स आपके बीच में होने लगे हैं, वो आर्ग्यूमेंट्स ही आपके प्यार को बढ़ाने में आपको हेल्प करेंगे। हो सकता है आप उससे हर्ट हो जाएं, लेकिन फिर भी हर्ट होने के बाद आपके पार्टनर को रियलाइजेशन होगा और आपके बीच में जो है अच्छे रिश्ते स्थापित होंगे, प्रेम प्रीत बढ़ेगा।
एग्जाम को लेकर के बहुत ज्यादा समस्या दिखाई दे रही है, बिल्कुल ट्रैप्ड लग रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करना है। खासकर एक आपके वर्क प्लेस पे एक ऐसा व्यक्ति है जो कि उम्र में आपसे छोटा है, वो व्यक्ति बार बार आपसे लड़ने के बहाने ढूंढता है, आपको परेशान करने के बहाने ढूंढता है, उससे सतर्क रहना है क्योंकि अक्टूबर महीने के बाद आपको उससे निजात मिलेगा, तो हो सकता है अक्टूबर भर वो आपको और परेशान करे। कुछ वृषभ राशि वालों के लिए रिश्ता आता दिखाई दे रहा है, रिश्ते के लिए कुछ लोग आपके घर आएंगे और आपका आपस में एक अच्छा बॉन्ड जो है वो बनेगा। हो सकता है वो रिश्ता आपका पक्का भी हो जाए, शायद इसीलिए बॉन्ड दिखाई दे रहा है, अच्छी आपकी चर्चा होगी। अक्टूबर महीना आपके लिए कुछ फाइनेंशियली अच्छी चीज़ें लेकर के आने वाला है। हाँ, थोड़ा सा आप इस बात से डरिएगा कि बहुत ज़्यादा खर्चा ना कर दें, खर्चा नहीं करेंगे तो आपको धन संबंधी लाभ जरूर प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। महीने के स्टार्ट में नहीं है, महीने के एंड में होता दिखाई दे रहा है, मिडल में से 15 तारीख के बाद से आप मान लीजिए थोड़ा सा 30 तारीख के बीच में ये महीना जो है वृषभ राशि वालों के लिए धन संबंध को लेकर के अच्छा रहेगा। बस खर्चे पर कंट्रोल करें, वरना जो आपको मिला है आप उस सभी को लुटा सकते हैं। इच्छाओं की भी पूर्ति दिख रही है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा मिल सकता है। अगर लॉटरी वगैरह में आप अपना हाथ आजमाना चाहते हैं तो समय उसके लिए भी अच्छा है। हाँ, किसी गेम वगैरह में मत लगाइएगा तो आपको नुकसान हो सकता है। दूर देश से कोई अच्छी खबर या किसी दूसरे सिटी से कोई अच्छी खबर मिलती भी आपको दिखाई दे रही है, उसके लिए भी आपको रेडी रहना है। पिता से जिनके संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, पिता से संबंध आपके अच्छे होते भी दिखाई दे रहे हैं। अक्टूबर महीने में आप बहुत सारी पूजा पाठ करने वाले हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसा दिखाई दे रहा है जिनकी भक्ति बढ़ेगी, पूजा पाठ बढ़ेगा, भगवान पर भी विश्वास आपका बढ़ जाएगा। अच्छा चीज़ है, ज्ञान भी बढ़ना चाहिए और संसार में भी उन्नति मिलनी चाहिए। कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अक्टूबर का महीना ग्रोथ दिख रहा है, जो बिजनेस कर रहे हैं व्यापारी हैं उनके लिए कुछ ग्रोथ ज़रूर होगा और अचानक से होगा, जब आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, जब आप बिल्कुल निराश हो गए हैं, आपको लग रहा कुछ नहीं होने वाला है, अचानक से चीज़ें आपको लगेगा कि बिल्कुल भागने लगी हैं और इतनी भागने लगी हैं कि आपके हाथ से निकल रही हैं। तो अपने आप को थोड़ा मैनेज करके पहले से ही चले क्योंकि आने वाला समय आपको बहुत बिजी करने वाला है। कुछ लोग शिव जी का दर्शन और गंगा माँ का दर्शन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। एक ऐसा इंसिडेंट हाँ मुझे एक अक्टूबर में दिख रहा है आपके लिए, ये कोई ना कोई एक ऐसी बात, चुभती हुई बात आपको कोई व्यक्ति बोलने वाला है जिसकी वजह से आपको बहुत बुरा लगेगा, बिल्कुल जैसे कहते दुखती नस पर हाथ रख देना, तो वो आपके साथ होने वाला है। थोड़ा रिएक्ट कम कीजिएगा, तो गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, आपका खून खुद ही जलेगा, आप खुद ही परेशान होंगे, बीपी हाई होगा। तो इससे अच्छा ये है कि आप जो भी व्यक्ति कुछ भी कह रहा उस समय बिल्कुल रिएक्ट ना करें क्योंकि ऐसी घटना आपके साथ होने वाली है। मिथुन राशि वालों, कुछ गैदरिंग आपके यहाँ होती दिखाई दे रही है, कुछ ब्राह्मण आते दिखाई दे रहे हैं, उनका आशीर्वाद इस समय में आपको मिलेगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ बहुत सारे लोगों की फैमिली गैदरिंग भी हो सकती है जहां बड़े बुजुर्गों को आप ज़रूर मिलेंगे और उनसे आपको कुछ विशेष आशीर्वाद मिलेगा, जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आ रही है उसको दूर करने में वो बहुत सहायक होगा। इस समय में जितना विनम्र रहेंगे, जितना झुक के रहेंगे, उतना ज़्यादा आपका नाम बढ़ेगा, लोग आपके प्रति जो है सम्मान देंगे और जितना ज़्यादा आप आगे बढ़ के या फिर ज़बरदस्ती रिस्पेक्ट पाने की कोशिश करेंगे या फिर लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि ये मेरा सत्य है, तो आपको उल्टा सम्मान की प्राप्ति नहीं होगी, सम्मान की हानि होगी। तो ऐसे में आपने बिल्कुल झुक के रहना है, सत्य जो है आपका, जो सच है वो अपने आप ही सामने वाले के सामने आ जाएगा, आप हम्बल बने रहें। एक ऐसा अवसर कुछ व्यापारियों को मिलता दिखाई दे रहा है जो खास करके कपड़े का काम करते हैं, उनसे संबंधित हो सकता है या फिर कोई भी रिटेल का काम करते हैं या मार्केटिंग का काम करते हैं उससे भी संबंधित हो सकता है। तो ऐसा दिख रहा है कोई ऐसा ऑफर जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हाँ, शॉर्टकट हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आपको जल्दी उससे पैसा कमाने का मौका मिल जाए या आपको अपने ही काम में कुछ गलत काम करने का ऑफर मिल जाए, लेकिन आप उससे बिल्कुल बचें, अधर्म से बिल्कुल बचें क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो किसी भी शॉर्टकट के पैसे को आपने इस समय ध्यान नहीं देना है, ऑफर आपके पास आएगा। इस समय में आपकी पूजा पाठ अधिक होगी, पूजा पाठ बढ़ जाएगी, आपका मन पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा लगेगा। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनका भी मन जो है वो पढ़ाई लिखाई में लगने लगेगा, उनके लिए भी अच्छा समय है। फैमिली को लेकर के एक शांति सी रहेगी, बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा भी नहीं दिख रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ खराब भी नहीं दिख रहा है, सामान्य रूप से आपका परिवार होता दिखाई दे रहा है। जहाँ लव और रिलेशनशिप की बात है, आप
थोड़े से मैच्योर बिहेव करेंगे। आपको सामने वाला हो सकता है थोड़ा बचकाना हो रहा हो सकता है सामने वाला जो है वो आपकी बात को इस समय नहीं समझ रहा है, या फिर वो आपसे लड़ बहुत ज़्यादा रहा है क्योंकि ऐसे आसार दिख रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल शांत रहेंगे। आप कहीं ना कहीं अपने आप में एक मैच्योरिटी महसूस करेंगे कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी समय है, ये भी गुजर जाएगा, और बहुत ही प्यार से आप सामने वाले को समझाने का प्रयास करेंगे तो उससे भी आपका मान बढ़ेगा और आपके घर में सुख शांति स्थापित रहेगी। मंथ के एंड में कुछ लोगों को जो जॉब से संबंधित है थोड़ा प्रॉब्लम आता हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ा ध्यान रखिए। जॉब चेंज के भी आसार हैं, उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर स्विच करना चाहते हैं ऐसे समय में तो फिर आप मंथ के एंड में स्विच करने का सोच सकते हैं, ये आपके लिए एक अच्छा डिसीजन रहेगा। व्यापार की बात करें, पैसे की बात करें, आपके सेविंग्स की बात करें तो आप अच्छी सेविंग्स कर पाएंगे अक्टूबर के महीने में, लेकिन अक्टूबर जैसे जैसे ख़त्म हो रहा है तो थोड़ा सा कंजूसी की तरफ आप आ सकते हैं। थोड़ा सा हो सकता है आपको लगे कि फाइनेंशियल क्रंच आने वाला है, लेकिन आएगा नहीं। तो थोड़ा सा धन संबंधी लास्ट के मंथ में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा इस तरीके से हम बना करके मैनेजमेंट करके चलें कि महीने के लास्ट में हमें पैसे की क्योंकि ज़रूरत पड़ने वाली है तो कमी ना हो जाए। जो बच्चे यंग हैं, खास करके कुछ लड़कियां, उनको लव इंटरेस्ट से एक प्रपोजल आता दिखाई दे रहा है। हो सकता है कोई मन की बात आपको, जो आपका एडमायर करता है, आपको जो आपको पसंद करता है, लव इंटरेस्ट है, वो आपको प्रपोज कर दे, ऐसा प्रपोजल आता हुआ आपकी तरफ दिखाई दे रहा है। इस समय में माता जो भी कहें, माता की बात बहुत सुने, वो आपके लिए बड़ा काम की आने वाली है। माता आपको कोई ऐसी बात बोल देंगी जिससे आपको एकदम क्लियरिटी आ जाएगी। इस समय माता के मुख से कही गई हर बात का जरा ध्यान रखें। कुछ बच्चों के स्कूल में लड़ाई हो सकती है तो थोड़ा वहाँ कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अपने गुस्से पर इस समय कंट्रोल करें। कर्क राशि वालों, आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बड़ी समस्या में घिर गए हैं, आपको ऐसा लग रहा है कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है भगवान की विशेष कृपा आपके पास है। जब भी आपको कोई भी दिक्कत होगी, भगवान की छत्र छाया आप पर आ जाएगी। अचानक से कुछ लोग ऐसे अक्टूबर में आपको टकराएंगे जो आपकी जो खराब सिचुएशन है उसको अचानक से ठीक कर देंगे। आप क्योंकि भगवान की कृपा पात्र हैं, कभी भी आपके साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। हाँ, फ्यूचर को लेके आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, लेकिन ऊपर भगवान वो सब कुछ देख रहे हैं और एक अम्ब्रेला की तरह सारी समस्याओं से आपको निकाल भी देंगे, हमेशा आपकी और समस्याओं के बीच में रहेंगे। तो इसीलिए टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, सेल्फ डाउट से और टेंशन से बाहर निकलिए। थोड़ा सा चाइल्डिश आप इस अक्टूबर के महीने में बिहेव कर सकते हैं, यानी बचकानी हरकतें कर सकते हैं पैसों को लेकर के। हो सकता है कोई शॉर्ट टर्म गेन में आप चले जाएं, ये बहुत जल्दी पैसा कमाने की आप कुछ कोशिश करें, तो थोड़ा सा उसके लिए ध्यान रखो। शॉर्ट टर्म कुछ नहीं होता है, जितनी जल्दी पैसा आएगा उतनी जल्दी चला भी जाएगा। तो इसीलिए जो भी काम करें अपने लॉन्ग टर्म गेन के लिए करें। अगर इन्वेस्टमेंट इस समय में करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ना करें। जो जिनकी शादी अभी हुई है, न्यूली मैरिड कपल्स हैं, या फिर आपकी शादी होने वाली है तो वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोग आपकी शादी को लेकर के परेशानी क्रिएट करेंगे तो अक्टूबर में आपको उनसे सतर्क रहना है। और जैसे कि आपको मैंने सबसे पहला जो बात बताई है कि जो ऐसे ही कोई समस्या आएगी, अचानक से लोग आपके लिए आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे वो समस्या निकल गई है, तो टेंशन की तो ये भी बात नहीं है। कोई अच्छी खबर आपको किसी फ्रेंड से मिलने वाली है और वो धन संबंधी भी हो सकती है, प्रेम संबंधी भी हो सकती है, दोनों के आसार दिख रहे हैं। फाइनेंशियल जो सिचुएशन है आपकी इस समय में इम्प्रूव ज़रूर होगी। जो टेंशन आपको रह रही है पैसों को लेकर के, बहुत समय से परेशान है, उसमें इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा। लेकिन हाँ, अभी पूरा कंप्लीट आपको उसका रेजोल्यूशन नहीं मिलेगा। इतना है कि आपको अगले महीने तक की चिंता नहीं होगी, और नवंबर में क्या होगा वो तो अगले राशिफल में हम आपको बता ही देंगे। अक्टूबर में आपको कुछ गिफ्ट मिल सकता है, सरप्राइज गिफ्ट जैसे कहते हैं ना, वो आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। कभी भी समस्या आए तो अपने गुरुदेव का नाम लें, गुरुदेव के पास जाएं, या फिर कोई गुरु नहीं है तो आप किसी संत का सत्संग सुने, उनकी वाणी सुने, आपकी जो ऑनगोइंग प्रॉब्लम है उसमें से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। हेल्थ को लेकर के थोड़ी सी प्रॉब्लम होती दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं इम्यूनिटी पावर आपकी वीक होगी, जिसकी वजह से कुछ जो सर्दी खांसी जुकाम या खासकर गली की समस्या आपके साथ रहती है वो बढ़ती दिखाई दे रही है। थोड़ा सा अपना ख्याल रखें। कुछ लोग अपने आप को महसूस कर सकते हैं जैसे एनर्जी नहीं है बिल्कुल बॉडी में, बिल्कुल जैसे ऐसा लगेगा बूढ़े हो गए हैं, उस पर आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। इस प्रकार का खाना खाइए जो कि प्रोटीन रिच हो, ताकि आपको जो थकान की प्रॉब्लम है वो ना रहे।
लव रिलेशनशिप को लेकर के बहुत अच्छा दिख रहा है, मन में एक सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा, अच्छा समय एक दूसरे के साथ आप बिता पाएंगे। कुछ ऐसे समय हो सकता है या तो छुट्टियां मिल जाए आपको या किसी कारण से आपको छुट्टी लेनी पड़ जाए, तो आपस में जो आपका जो रिलेशनशिप जो पार्टनर के साथ है वो अच्छा होगा और आप एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। जो लोग विवाह के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं ऐसे समय में अक्टूबर में कुछ अच्छा रिश्ता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी मंदिर से कनेक्टेड होते हुए ऐसा रिश्ता आ सकता है या फिर ऐसे ही किसी सामाजिक जगह से जहां बहुत सारे लोग होते हैं, आपका मिलना जुलना हो, कोई आपको वहां देख ले, ऐसी किसी जगह से आपको एक अच्छा रिश्ता प्राप्त हो सकता है जो जीवन में आगे आपका अच्छा लाइफ पार्टनर बन सकता है। फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने का अवसर मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिए वहाँ पर जहाँ बाहर जाएंगे, कोई रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है वहाँ जहाँ जाएंगे किसी की पूरी नज़र आपको लग सकती है, तो काला टीका लगा करके या फिर आप कोई काला धागा पहन करके ही जाएं। सिंह राशि वालों, अक्टूबर के महीने में आपको लोगों को रास्ता दिखाने का मौका मिलेगा। जो लोग दूसरों को पढ़ाते हैं, लीडर हैं, पॉलिटिक्स में हैं, उन सभी की छवि अच्छी होगी। आपके साथ लोग जुड़ेंगे और उनको लीड करने का, उनका एक नेता बनने का, उनको कुछ अच्छी चीज़ दिखाने का, उनको साथ लेके कोई कार्य करने का मौका आपको मिलेगा, तो ये बहुत अच्छा है। आपके लिए सोल सेटिस्फाइंग वर्क होगा। अगर किसी एनजीओ से जुड़े हैं तो वहाँ भी आपको लाभ ज़रूर होगा, और अगर जुड़ना चाहते हैं, कोई सामाजिक कार्य करना चाहते हैं तो भी बहुत बढ़िया है, आप ज़रूर अक्टूबर के महीने में उसकी शुरुआत करें। इस समय में आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। सिंह राशि वालों, आपके लिए अक्टूबर का महीना बहुत बिजी होने वाला है। आपको ऐसा लगेगा जैसे माता रानी की तरह आपकी इतनी सारी भुजाएं हो गई हैं और आप सारे काम को कर रहे हैं, थोड़ा 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 हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बिजी बहुत रहने वाले हैं, तो उसके लिए पहले से प्लानिंग करके चलें। कुछ अच्छे नए प्रपोजल, खास करके पॉलिटिक्स को लेकर के कुछ अच्छी चीज़ें कुछ लोगों को दिखाई दे रही हैं, जहां लोगों के बीच में, समाज के बीच में आपका नाम सम्मान बढ़ेगा। आपको कोई ऐसा ऑफर मिलेगा जिसके द्वारा अगर आप उस पर एक्ट करते हैं, उस प्रपोजल को लेते हैं, तो आपका नाम सम्मान बढ़ेगा। तो ये सब्जेक्ट टू है अगर आप उस प्रपोजल को स्वीकार करते हैं। हेल्थ थोड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है, खास करके आपके पैरों में प्रॉब्लम, आपके बैक में प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम्स होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपकी हार्ट की सर्जरी हो गई है तो थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करके चले, वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। प्रेम के लिए तो बहुत अच्छा समय है, लेकिन आपके प्रेम में कोई कबाब में हड्डी बनने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल, कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो आपसे और आपके लवर से बहुत जलता है, या हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो जो बीच में घुसने की कोशिश करे, जो बीच में आने की कोशिश करे, ऐसा कोई व्यक्ति दिख रहा है जिससे आपको सावधान रहना है। वो आपके लव और रिलेशनशिप में क्या करेगा, कान भरने की कोशिश करेगा, आपके पार्टनर को भड़काने की कोशिश करेगा आपके खिलाफ, तो आपको सतर्क रहना है और आपके पार्टनर को भी सतर्क रहना चाहिए। अगर भाग्य की समय में बात करें, भाग्य आपका साथ देगा, भाग्य बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आप जो भी कार्य करना चाहते हैं अक्टूबर में, नवरात्रों में, उस कार्य को प्रारंभ कर दीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बहुत अच्छा समय है आपके भाग्य को लेकर के, ये समय को यूज़ करें। कहते हैं ना, सही समय पर अगर कोई काम किया जाता है, द करेक्ट राइट टाइम राइट प्लेस, वो अक्टूबर का महीना है। कुछ भी प्लान कर रहे हैं, अगर अभी आपकी प्लानिंग पूरी भी नहीं हुई है तो भी स्टार्ट कर दो, ज़रूर रिजल्ट आएंगे। इस समय में एक बात का ध्यान रखिए, आपके कारण कोई स्त्री, खासकर आपकी माता या कोई माता तुल्य जो स्त्री हो, उनको बिल्कुल भी उनका दिल नहीं दुखाना। अगर वो रोएंगी तो आपको बड़ा बुरा नुकसान होने वाला है, तो इस बात का ख्याल रखने, थोड़ा सा अपना वाणी पर और अपने गुस्से पर, गुस्सा भी बहुत होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपको अचानक से बहुत गुस्सा आने लगेगा, क्योंकि स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ गया है तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। लेकिन कंट्रोल करें, किसी स्त्री पर अपना गुस्सा मत निकालें, वरना माता रानी आपको छोड़ने वाली नहीं है। जितना अच्छा भाग्य उतना बुरा हो जाएगा, तो इस बात का जरा ख्याल रखिएगा। मूड वैसे अच्छा रहेगा इस समय में आपको, मोर और लेस अच्छा है। कोर्ट कचहरी में जो लोग फंसे हुए हैं उनको कुछ सॉल्यूशन बाहर कोर्ट के मिलता दिखाई दे रहा, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होती दिखाई दे रही है। कुछ बाहर आपको ऐसा है, अगर आप सुलझाएंगे इस महीने में, चाहते हैं सुलझाना तो आप सुलझा सकते हैं। उससे आपको फाइनेंशियल गेन तो नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ, अशांति ज़रूर स्थापित हो जाएगी। गौ माता के दर्शन आपको इस महीने में होते रहेंगे, उनकी सेवा ज़रूर करें, आपके लिए बहुत भाग्यशाली होगा, भाग्य का रास्ता आपका खुलेगा। आपकी फैमिली लाइफ जो है वो अच्छी रहेगी, पहले तो दिख अच्छी ही है, लेकिन बाद में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब आप मान लीजिए अक्टूबर 18 के बाद थोड़ी कटुता आपके रिलेशनशिप में आ सकती है, घर में आ सकती है, उस बात का थोड़ा
ख्याल रखना है। कन्या राशि वालों, इस मंथ में यानी कि अक्टूबर के मंथ में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। अगर बहुत समय से किसी चीज़ की आप प्रतीक्षा कर रहे थे, वो आपको मिल नहीं रही थी, तो इस समय में आपको वो अपॉर्चुनिटीज ज़रूर आएगी। लेकिन अपॉर्चुनिटी को लेने के जस्ट बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। आपको ऐसा लगेगा आप कितने बिजी हो गए हैं, काम ही पूरे नहीं हो रहे हैं, कितना मुश्किल हो रहा है सब कुछ टैकल करने में। ऐसी कुछ समस्या अक्टूबर में आती दिखाई दे रही है। आप मेहनती हैं, मेहनत तो ज़रूर करेंगे, लेकिन रात की नींद अच्छी आती दिख नहीं रही है। हो सकता है काम का प्रेशर, काम की टेंशन की वजह से आपकी रात की नींद डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन इस समय में आप जो भी मेहनत करेंगे ना, आने वाले समय में वो आपकी जीत को सुनिश्चित करेगा, वो आपको बहुत कुछ अच्छा करके देगा। थोड़ा सा समय है मेहनत का, मुश्किलों का, इसको पार कर लेंगे। मुश्किल तो नहीं कहेंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मेहनत का समय है। मेहनत करेंगे तो जीत आपको ज़रूर मिलेगी। जो भी काम करना चाहते हैं उसमें सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। अक्टूबर का महीना आपके लिए थोड़ा हार्ड वर्किंग है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें आप सोचेंगे जो कि रियलिटी में नहीं है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग इस समय में करेंगे। जो परेशानी आपके सामने नहीं भी आ रही है, आप बेकार में उस पर सोच करके समय खराब करेंगे। तो मेंटली आपको थोड़ा सा अपने आप को फिट रखना होगा। आप अच्छी चीज़ें कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, भजन कीर्तन सुनिए, संतों की वाणी सुनिए, मोटिवेट अपने आप को करते रहें ताकि टेंशन में ना रहें। बाकी काम के मसले में, व्यापार के मसले में चीज़ें अच्छी हैं। कुछ लोगों को कुछ अवार्ड, कोई मान सम्मान, कोई प्रमोशन मिलता दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा सेलिब्रेशन आप अपने घर में करने वाले हैं। कन्या राशि की महिलाएं जो ज्वेलरी खरीदना चाहती हैं, तो इस समय में कुछ अच्छी ज्वेलरी लेती भी वो दिखाई दे रही हैं। कंजूसी की भावना आपके अंदर ज़रूर इस समय आ जाएगी। आप किसी भी चीज़ में पैसे को खर्च नहीं करना चाहेंगे, केवल उसको जोड़ना चाहेंगे। तो इन्वेस्टमेंट करें ऐसे में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट आगे चल के लॉन्ग टर्म अच्छा रिजल्ट आपको दे सकती है। इस समय में अपने वाहन को, गाड़ी को ज़रा धीरे चलाएं, एक्सीडेंट का खतरा हो सकता है। लव रिलेशनशिप में समय अच्छा है, लेकिन घर में थोड़ा मतभेद रह सकता है, यानी कि आप दोनों के विचार आपस में मिलेंगे नहीं। छोटी छोटी बातों पे परेशानियां हो सकती हैं। बहुत जल्दी, जितनी जल्दी परेशानी स्टार्ट होगी उतनी जल्दी आर्ग्यूमेंट आपकी ख़त्म भी हो जाएगी, लेकिन फिर भी थोड़ी सी फैमिली लाइफ में ट्रबल दिखाई दे रही है। रोमांस के लिए समय अच्छा है। अगर कहीं बाहर अपने पार्टनर के साथ जाएंगे तो आपको अच्छा रहेगा, रिलेशनशिप और स्ट्रांग होगा। आपके घर में कोई वाहन लेने का योग बन रहा है, जिसे लेने के लिए आपके घर वाले आपसे परामर्श जरूर लेंगे, तो वो जो है वो आपको एक अच्छी फीलिंग देगा कि आपकी जो मत है वो आपके घर वाले उसकी कितनी वैल्यू करते हैं, कितना कदर करते हैं, वो आपके सामने आएगा। एक दुख की खबर भी दिखाई दे रही है। हो सकता है, भगवान ना करे, कोई आपका फैमिली या रिलेटिव में कोई व्यक्ति आपका साथ छोड़ करके चला जाए। ये मैसेज लेकिन सिर्फ कुछ लोगों के लिए होगा। ओवरऑल माता लक्ष्मी की कृपा इस समय आप पर बनेगी। आप अपनी मेहनत से धन को अचीव करेंगे, अच्छी पोजीशन को अचीव करेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य भी आपका सामान्य रहेगा, अच्छा रहेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। केवल पैरों में थोड़ी समस्या आपको हो सकती है। कुछ लोग बेबी प्लान कर रहे हैं, तो उसको प्लान करने के लिए भी अच्छा समय रहेगा। मकर राशि वालों, ये जो महीना है अक्टूबर का, आपके लिए नई भावना लेकर के आ रहा है। वैसे तो आप इमोशनल इतना होते नहीं हैं, लेकिन ये महीना थोड़ा इमोशनल निकलने वाला है। बुरे वे में नहीं, अच्छे वे में, क्योंकि प्रेम प्रसंग आपका नया शुरू हो सकता है। जो लोग सिंगल हैं, जिनके जीवन में प्रेम की कमी है, वो प्रेम से भरने वाले हैं। लव के लिए बहुत अच्छा समय है, रोमांस के लिए बहुत अच्छा समय है। नया कोई अफेयर स्टार्ट हो रहा है, या किसी को पसंद करते हैं उसके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए, या जीवन की ही नई शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। आप अपने सिटी से, अपने स्टेट से दूर जा सकते हैं। यात्रा के योग भी इस समय में है। काम से रिलेटेड अगर कोई यात्रा कर रहे हैं तो ऐसे में यात्रा सफलदायक होगी। इस समय में महिलाओं का सहयोग आपके जीवन में बहुत अच्छा होगा। महिलाएं आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। जो भी मैच्योर लेडीज़ हैं, जो आपसे उम्र में बड़ी हैं, उनकी सलाह लेके चलेंगे, उनका आशीर्वाद लेके चलेंगे, तो आपको सफलता मिलेगी। खास करके अगर आपकी कोई फीमेल बॉस है तो वो आपको बहुत इस समय में हेल्पफुल रहेंगी। कोई आपकी जो बिजनेस पार्टनर है, या फिर आपकी कोई ऐसी कोई कॉन्टैक्ट है, या आपका कोई कस्टमर जो कि लेडीज़ है, फीमेल है, उनसे भी काफ़ी प्रॉफिट आप इस समय में कमा सकते हैं।
एक समस्या होती दिखाई दे रही है, जैसे मैंने आपको बताया प्रेम प्रसंग बहुत अच्छा है, तो आप जिनसे भी प्रेम करते हैं अगर वो पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, या उनका एक्स लवर हो, एक्स बॉयफ्रेंड हो, एक्स गर्लफ्रेंड हो, या फिर एक्स हस्बैंड हो, वहाँ से आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको थोड़ा टैकल आपको तरीके से करना पड़ेगा, वरना ये समय बहुत अच्छा है। कई सारी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी, ऐसा ना हो कि आप लेज़ी हो जाएं, क्योंकि जब बहुत सारी इच्छाएं एक साथ पूरी हो जाती है तो इंसान बड़ा आराम से हो जाता है। अक्टूबर महीना वैसे आपके लिए आरामदायक है, अच्छा है, रिलैक्स करिए, बहुत समय से मेहनत कर रहे थे तो रिलैक्सेशन की आपको ज़रूरत है। वेकेशन भी कुछ लोग अपने लिए ले सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं, छुट्टी ले सकते हैं, सब अच्छा रहेगा। परिवार को लेकर के थोड़ा सा समस्या है, परिवारजन आपस में, आपसे कोई नहीं लड़ रहा लेकिन आपस में क्योंकि लड़ते रहेंगे उसकी वजह से आपको बड़ा परेशानी होगी, आप अपना मेंटल पीस जो है वो खो देंगे घर पहुंचते ही, तो वहाँ थोड़ा ख्याल रखना है, सबके बीच में तालमेल बना के रखेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। बस इस समय मैं कहना चाहूँगी किसी के झगड़े के बीच में ना पड़े, अगर आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति कोई किसी को परेशान कर रहा है आपके साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके झगड़े में आपको नहीं पड़ना है, नहीं तो वो झगड़ा जो है आपसे दुश्मनी में बदल जाएगा। तो दूसरों के झगड़े से दूर रहें, अगर किसी को हेल्प भी करना है तो बैकग्राउंड में रह करके हेल्प करेंगे तो आपको लाभ होगा। धन संबंधी समय अच्छा है, अच्छी इनकम आपकी होती रहेगी। कुछ बढ़िया करना चाहते, कुछ शुभ करना चाहते हैं तो नवरात्रे उसके लिए बहुत उत्तम है, माता रानी की विशेष कृपा आपको मिलेगी और नवरात्रों के बीच में धन संबंधी आपको अच्छी खबर जरूर मिलेगी, कोई धन प्राप्ति के योग है। कुछ लोग अपने घर में पेट्स लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर आप पेट खरीदना चाहते हैं और उसके लिए समय देख रहे हैं तो बहुत अच्छा समय है, अक्टूबर का महीना। कुछ लोगों का जन्मदिन इस समय में आएगा तो आपको कोई पेट गिफ्ट कर सकता है या पेट संबंधी कोई शोपीस वगैरह गिफ्ट कर सकता है, ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको देख के आपको खुशी बहुत होगी। साधु संतों का आशीर्वाद इस समय में आपको मिलेगा, किसी भी ऐसे धार्मिक स्थल पर भी यात्रा कर सकते हैं जहाँ आपके गुरु या किसी साधु संत का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। इस समय में आपको बस बैलेंस बना के चलना है, क्योंकि पर्सनल लाइफ भी आपकी अच्छी चलेगी, प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी चलेगी, लेकिन दोनों ही डिमांडिंग होगी, दोनों ही जगह आपको अटेंशन देना होगा, तो एक बैलेंस की आपको ज़रूरत रहेगी। हेल्थ जो है वो आपका सामान्य रहेगा, केवल थोड़ा सा बीपी का समस्या कुछ लोगों को हो सकता है या फिर कफ ज़्यादा बनने की समस्या कुछ लोगों को हो सकती है, वरना इसके अलावा ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। कोई ऐसा अवसर बनता हुआ दिख रहा है जहाँ बहुत सारे लोग इस अवसर में परेशान हो रहे होंगे, उनके लिए ये एक अभिशाप है लेकिन आपके लिए बहुत बड़ा वरदान सिद्ध होगा। अक्टूबर के महीने में आपके आसपास ऐसा कुछ घटित होगा जहाँ सब लोग बहुत परेशान हो जाएंगे, लेकिन उसी समय में आपका काम बहुत अच्छा होगा। तुला राशि वालों, आप इतने समय से जो कड़ी मेहनत कर रहे थे उसका रिजल्ट अब आपको इस महीने में मिलेगा। जाते जाते जो केतु जी महाराज हैं वो आपको जाने से पहले कुछ तोहफा, कुछ गिफ्ट जरूर देंगे। आपकी मेहनत का फल आपको धन के रूप में मिलेगा, कार्य क्षेत्र में ये आपको ब्लेसिंग जाती दिखाई दे रही है, आशीर्वाद भगवान का मिलता दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके काम में पावर में है, यानी कि उसका अच्छा खासा नाम सम्मान है, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी, कोई नई बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है, नहीं तो उनके द्वारा दी गई सलाह ही आपके इतने काम आएगी कि आप उससे कुछ नया काम प्रारंभ कर सकते हैं। अक्टूबर महीने में आपका मन शुरू में तो थोड़ा उदास रहेगा, क्योंकि आपको बहुत समय से परिश्रम का फल मिल नहीं रहा है तो आप उदास फील कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे अक्टूबर पास आएगा, गुजरने लगेगा, आपकी वो जो मायूसी है, जो आपने मन को छोटा कर लिया है, वो अपने आप ही ठीक होने लगेगा। घर में कुछ अच्छी सेलिब्रेशन होती दिखाई दे रही है, कई सारे दोस्त आपके घर आ सकते हैं, आप किसी दोस्तों के घर जा सकते हैं, एक अच्छी सेलिब्रेशन। शत्रु इस समय में आपकी छवि बिगाड़ने का प्रयास जरूर करेंगे, उनसे बच के रहें, इग्नोर ना करें। मुझे लगता है इस समय में जो भी शत्रु आपको परेशान कर रहा है उसको जवाब देने का समय आ गया है, भगवान आपके साथ है, उसको जम के जवाब दीजिए, क्योंकि इग्नोर करेंगे तो उसकी जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ के आपके पास आएगी। परेशान करने के लिए तो कोई उम्र में छोटा है और पुरुष है वो लगा ही हुआ है, और उसने भड़काने के साथ साथ कुछ आपके मित्र कह सकते हैं या आपके जानकार कह सकते हैं, उनको भी अपनी साइड कर लिया है, तो वो सब मिलके आपको परेशान कर सकते हैं, टॉर्चर कर सकते हैं, तो उनको जवाब देना बहुत ज़रूरी है। इस समय में आप बहुत सारे काम एक साथ करने का प्रयास करेंगे लेकिन ठीक से कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो सलाह यही रहेगी कि एक एक करके हर चीज़ का ध्यान करें, नहीं तो स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। खास करके छाती से संबंधित, पेट से संबंधित प्रॉब्लम आपको इस समय में हो सकती है, उस जगह का आपने थोड़ा ख्याल रखना है, अपने खान पान का ध्यान रखना है।
पत्नी से इस समय में संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, आपसी मतभेद जो है वो बढ़ जाएगा। तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके चलें, पत्नी जो कह रही है उसको सुन लें। कई बार सामने वाला गुस्से में होता है तो उसको सुन लेना ही पर्याप्त होता है। तो वहाँ थोड़ा शांति आपको बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप में भी गुस्सा आ गया, उनमें भी गुस्सा है, तो आपसी दिक्कत बढ़ जाएगी। तो अक्टूबर के महीने में फैमिली लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, उसका ख्याल रखेंगे। कोई एक फ्रेंड आपका है जो बिल्कुल ही पैसे से परेशान हो गया है, आपकी हेल्प को आएगा, उसकी हेल्प करें, कोई दिक्कत नहीं है। हेल्प करने से ये तो नहीं कहूँगी कि आप उसे पैसे देंगे तो पैसे लौट के आ जाएंगे, हो सकता है वो समय पे पैसे ना चुका पाए, लेकिन आपको उसकी दुआएं ज़रूर लगेंगी। तो हेल्प करने से बिल्कुल भी पीछे ना हटें। इस समय में आपकी भक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जब भी आपको प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, जैसे कि बताया लोग आपको बदनाम करने का, परेशान करने का अक्टूबर में कोशिश करेंगे, तो अपने इष्ट के मंदिर में चले जाएं। वहाँ बैठते ही आपको कोई ना कोई आंसर ज़रूर मिल जाएगा कि कैसे सिचुएशन को आपने टैकल करना है। जो लोग अपनी फैमिली से हटकर अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो ये समय उसके लिए अच्छा रहेगा। आप नवरात्रों से वो चीज़ प्रारंभ कर सकते हैं। अपना बिजनेस करना आपके नाम को भी बढ़ाएगा, आपके पैसे को भी बढ़ाएगा, तो आप अगर ऐसा करना चाहें तो कर सकते हैं। और बार बार एक ही चीज़ दिखाई दे रही है, अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो उस सिचुएशन से हटने से अच्छा है कि आप वहीं पर जमे रहें, आप उस सिचुएशन से भाग ना जाएं, उस जगह से भाग ना जाएं, अपने ऑफिस में अपनी जॉब को क्विट ना करें, ये समय चेंज के लिए अच्छा नहीं है। वहीं रहें, सारे चैलेंजेस को फेस करें। गुस्सा आएगा, आपको परेशानी होगी, लेकिन अक्टूबर गुजरते गुजरते सारी चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी। आपको अपने आप ही लगेगा कि अच्छा ही हुआ अगर आपने ये निर्णय लिया है। तो वृश्चिक राशि वालों, कुछ लोगों का कोई भेद, कोई सीक्रेट आपके सामने आने वाला है, तो उसके लिए रेडी हो जाएं। लेकिन ये आपके हित में ही होगा, आपको अच्छा ही करेगा, आपकी लाइफ में आगे इससे प्रोग्रेस होने वाली है, तो आपको चिंता की आवश्यकता तो नहीं है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो आपके सामने ज़रूर आएगी। कुछ समय के लिए आपको उसको देख करके ऐसा लग सकता है कि अरे मैंने तो इस व्यक्ति के लिए इतना कुछ किया और ये व्यक्ति ऐसा निकला, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आने वाला समय आपको अच्छी सिचुएशन में प्लेस करने के लिए ही ये बुरी सिचुएशन आपके सामने लाएगा। किसी का राज खुल जाना, किसी का राज पता चल जाना आने वाले फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट आपके लिए सेट होगा। अक्टूबर के महीने में दोस्तों से मेल मिलाप रहेगा, खास करके प्रोफेशनली आपके कई सारे नए कॉन्टैक्ट्स इस समय में बनते दिखाई दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा एक समय है। अगर आप किसी भी बिजनेस को कर रहे हैं, सोशल वर्क में है, सोशल लाइफ आपकी अच्छी नहीं है, तो ऐसे में अगर आप बहुत सारे लोगों से मिलेंगे तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, आपका नाम जो है वो आपके कॉन्टैक्ट्स के बीच में फैलेगा। यानी कि अगर कोई बिजनेस करते हैं तो आपको वर्ड ऑफ माउथ से आपके कस्टमर्स मिलेंगे जो कि आपको अच्छा धन देंगे। कुछ लोगों को घर बुला करके आप खाना भी खिला सकते हैं, उसके भी योग है। अक्टूबर का महीना आपके लिए ब्राइट है, आपके फ्यूचर के लिए ब्राइट है, ऐसा कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है, अच्छा है। नाम बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी लोगों के बीच में, आपकी बात को लोग सुनेंगे और उसको मानेंगे कि जो आप कहते हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं, इसमें आपका अच्छा ही दिख रहा है। जो मैरिड लाइफ है उसके अंदर भी खुशियाँ आएंगी। और बहुत समय से अगर आपकी कोई विश थी वो विश पूरी नहीं हो रही थी, आप बहुत समय से सोच रहे थे कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, अक्टूबर का ही महीना है जहां आपकी विश पूरी होने वाली है, तो इसीलिए तैयार हो जाइए। बहुत समय से चाही हुई, लंबी चाही हुई जो इच्छाएं हैं वो आपकी इस अक्टूबर महीने में पूरी होंगी। स्वास्थ्य की बात करें तो जिन लोगों को बीपी का प्रॉब्लम है उनको प्रॉब्लम आएगी, बीपी हाई हो सकता है, बीपी को कंट्रोल में रखें। गुस्सा जिनको बहुत आता है तो एंगर इश्यूज इस महीने में हो सकते हैं, तो उस पर भी आपको कंट्रोल करना है। खास करके बच्चों पे आपका गुस्सा निकल सकता है, वहाँ थोड़ा ध्यान देंगे। पेट संबंधी कोई प्रॉब्लम, खास करके एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स जैसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपको हो सकती हैं। जो लोग नए रिश्ते की खोज में हैं, न्यू रिलेशनशिप चाहते हैं, या फिर लव लाइफ को लेकर के असमंजस में हैं, जो आपका पार्टनर है चला गया है, वापस आएगा या नहीं, तो इस महीने उसके आसार नहीं दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है आपको अपने ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। शादी के मसले में भी बात करें, अगर कोई प्रपोजल आता है तो भी वो ऐसा नहीं लग रहा है कि वो मेच्योर हो जाएगा, तो थोड़ा सा अभी अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी खुशियों पर ध्यान दें, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर ध्यान देंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। कुछ लोग अपना शहर छोड़कर कहीं जा सकते हैं, पढ़ने के लिए जा सकते हैं, या जॉब चेंज भी कर सकते हैं, दोनों के ही आसार हैं।
कोई भी काम अगर आपको ग्रुप में दिया जाता है, ऐसे समय में टीम वर्क में दिया जाता है, तो वो काम आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। रादर अगर अकेले होकर के इंडिविजुअलिटी से आप वो काम करेंगे तो आपको उसमें लाभ जरूर होगा। कुछ लोगों को इस समय में स्पिरिचुअल ग्रोथ करने का भी मौका मिलेगा, यानी कि आपको दिखेगा कि संसार आपके लिए आसार है, उसमें कोई मज़ा नहीं आ रहा है, आपका मन किसी चीज़ में नहीं लग रहा है, किसी रिश्ते के साथ नहीं लग रहा है, तो ऐसे में आप अपनी इनवर्ड जर्नी पर जाएंगे, यानी मेडिटेशन बढ़ सकता है आपका, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी लाइफ में हो सकती है, कुछ अच्छे संत समागम कर सकते हैं या मंदिर, अलग बहुत सारे अलग अलग मंदिर भी घूमने जा सकते हैं, उसका भी योग है। अगर आप बहुत समय से कोई मंत्र करना चाहते हैं तो इसके लिए बिल्कुल सही समय रहे। धनुराशि वालों, पैसों को लेकर के ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई नया काम करना चाहते हैं, कोई नई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, आप कुछ ऐसा पढ़ना चाहते हैं जो कि आगे चल के आपके करियर में हेल्प करे, तो समय उसके लिए बेहतरीन है। आप जो भी अक्टूबर महीने में करेंगे उससे धन प्राप्ति तो ज़रूर होगी, थोड़ा पहले थोड़ा बाद में, ऐसा आपका होता दिखाई दे रहा है। बाकी थोड़ा सा जो आप परेशान थे कि आपने जो पीछे जो कर्म किए हैं उसकी सफलता कब मिलेगी, तो उसके लिए भी आंसर आपका हाँ है, उसकी सफलता अक्टूबर महीने में आपको मिलेगी। पूरी नहीं मिलेगी लेकिन कुछ उसका अंश आपको मिल ही जाएगा। आपको जो लोग परेशान कर रहे हैं वो कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन इस समय वो आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, थक कर उन्हें ही हार माननी पड़ेगी। आपके ऊपर माता रानी की विशेष कृपा अक्टूबर के महीने में रहेगी। अपनी माता के साथ आप मन खोल करके, दिल खोल करके अगर बात करेंगे तो आपका मन जो है वो हल्का हो जाए। अगर पार्टनरशिप करना चाहते हैं इस समय में जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो आप अच्छी पार्टनरशिप आपको प्राप्त हो सकती है। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा ही एंथुजियास्टिक है, यानी दुनिया को लेकर के, जीवन को लेकर के बड़ी उसमें रोचकताएँ हैं, जैसे बच्चा होता है ना कि वो बहुत जल्दी जल्दी बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत कुछ अचीव करना चाहता है, ऐसा एक इंसान मिलेगा। उसके साथ बिजनेस करेंगे तो आपकी ग्रोथ बहुत जल्दी और बहुत सारी। इस समय पूजा पाठ तो आपका बढ़ेगा ही, बहुत सारी चीज़ें भगवान को हम समर्पित करेंगे, व्रत उपवास भी रख ही सकते हैं क्योंकि आप तो वैसे ही धार्मिक हैं, लेकिन उन उपवासों का परिणाम भी आपको इसी महीने में देखने को मिल जाएगा। स्वास्थ्य की बात करें तो बड़ी विशेष सी बात है, अक्टूबर में वैसे तो आपको काफ़ी समय से, जब से बृहस्पति खराब है, आपको काफ़ी थकान महसूस होती है, पेट अच्छा नहीं रहता है, डाइजेस्टिव आपका सिस्टम जो है वो खराब है, लेकिन अक्टूबर महीने में खासकर जैसे ही आपकी माता की कृपा आप पर हो रही है, माता रानी की कृपा आप पर हो रही है, वैसे ही आपको अपने अंदर बहुत सारी ऊर्जा का संचार होते लगेगा। आपको लगेगा कितनी पावर आ गई है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सुबह से शाम तक काम कर रहा हूँ और फिर भी नहीं थक रहा हूँ। तो अक्टूबर में आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी रहेगी, घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, आपके बहुत सारे रिश्तेदार आपके घर आ सकते हैं, ये संभव है, लेकिन सुख शांति आपके घर में होती दिखाई दे रही है। कुछ लोग चाहें तो नया घर खरीद सकते हैं इस समय में, या फिर आप अपने घर के लिए नया मंदिर बनवा सकते हैं, या फिर नई मूर्ति मंदिर में ले सकते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। कुछ लोगों का ऐसा योग दिखाई दे रहा है। कर्ज से परेशान है तो इस समय में कर्ज मुक्ति भी आप कर पाएंगे, पूरा तो नहीं लेकिन हाँ काफी कर्जा आपका हट सकता है। छोटे भाई बहन से भी मेल मिलाप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। शत्रु जो हैं वो आपके पैरों को आने वाले हैं, शत्रु आपके पैर पड़ेंगे, आप सोच भी नहीं सकते। अगर किसी ने आपके साथ इस समय में शत्रुता करने की भी कोशिश की तो उसने बहुत बुरा उसका हाल होना है, तो इससे बेहतर है कि आपके शत्रु आपके पैर पकड़ लें। भगवान के कुछ सपने, सपने में सांप दिखना, ऐसी चीज़ें भी आपके साथ हो सकती हैं, चिंता ना करें, गौ माता भी सपने में दिख सकती हैं, ये सब एक शुभ संकेत होगा। अच्छा चीज़ होने से पहले आपको ये संकेत प्राप्त हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए कोर्ट कचहरी में विजय भी दिख रही है। अगर आप कोर्ट में हैं और कोर्ट कचहरी की कोई समस्या आपके साथ चल रही है तो उसमें भी विजय आपको प्राप्त हो सकती है। और एक अच्छा संकेत नहीं है वो ये है कि कुछ लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस सकते हैं, उलझ सकते हैं। कुंभ राशि वालों, अक्टूबर के महीने में आप बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं, बहुत मजबूत होने वाले हैं, आपके विचार एकदम स्पष्ट हो जाएंगे। जो बहुत समय से कंफ्यूजन आपको चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है आपको क्या करना है, बहुत कंफ्यूज रहते हैं, एक काम करने जाते हैं दूसरा भूल के चले करने लगते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ ठीक हो जाएंगी। विचारों में स्पष्टता आएगी, आपके अंदर अंदरूनी शक्ति बढ़ जाएगी, बहुत सारे काम को आप एक साथ कर पाएंगे और कई सारे लोगों को काम पर लगा पाएंगे। बहुत सारे लोगों की आपने पास्ट में हेल्प की है, बहुत लोगों की आप हेल्प करते रहते हो, लेकिन ये अक्टूबर का महीना ऐसा है जहां आपको शनिदेव जो है, आपके जो कर्म है जो पिछले जन्मों में आपने किए, इस जन्म में आपने अच्छे कर्म किए, उसका फल आपको देने लगेंगे, उसका फल इस महीने आपको मिलकर ही रहेगा।
हाँ, कुछ लोग आपको गिफ्ट के फॉर्म में दे सकते हैं, कुछ आपकी हेल्प कर सकते हैं, कोई आपको किसी और व्यक्ति से मिला सकता है जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट हो जाए, लेकिन उस अच्छे कर्मों का फल आपको जरूर मिलता दिखाई दे रहा है। शत्रुओं से बस सावधान रहने की जरूरत है, शत्रु आप पर हावी होने का पूरा प्रयास करेंगे। हाँ, उनकी चलेगी एक नहीं, लेकिन फिर भी कुछ समय के लिए वो आपको रात में टेंशन दे सकते हैं, थोड़ा घबराहट दे सकते हैं, आपको लग सकता है कि अरे ये क्या हो गया मेरे साथ अचानक से। वो भी कहीं मिडल जो अक्टूबर है उसके बीच में होगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, आप इतने शक्तिशाली हैं, हर चुनौती को आराम से आप पार कर जाएंगे। कुछ लोगों के जूनियर्स भी उनको परेशान कर सकते हैं, खासकर जो सरकारी नौकरी में जो लोग हैं उनके जूनियर्स ऐसे समय में उनको बहुत परेशान करेंगे, गलती वो करेंगे, डांट आपको खानी पड़ेगी, परेशानी आपको होगी, वो वहाँ आपको थोड़ा ध्यान देना है। किस्मत की बात करें तो किस्मत तो भैया बहुत अच्छी है, अक्टूबर में आपके साथ बहुत सारी अच्छी चीज़ें होने वाली है। अब एक दो अच्छी चीज़ ना भी हो तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ आपका जो भाग्य आपके लिए वरदान लेकर के आ रहा है। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ पे थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत है, आपने एक तरफ तो अपने आप को काम में भी लगाना है, दूसरी तरफ हेल्थ पे भी ध्यान देना है, वरना थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। कुछ लोग जो हैं धूप में टैन हो सकते हैं, तो भैया बहुत ही सोच विचार करके निकलें, नहीं तो आपका रंग जो है वो खराब हो सकता है, या कुछ लोगों का फेस जो है वो डल पड़ सकता है, थोड़ा सा उस पर ख्याल रखें, झाइयां भी आपको आ सकती हैं। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, समय अच्छा है, बिल्कुल कर सकते हैं, कुछ लोगों को वैसे ही ट्रांसफर होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। फैमिली लाइफ की बात करें तो इस समय आपका जो स्पाउस है, आपकी वाइफ या हस्बैंड जो है, वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, उनका विशेष सपोर्ट आपको प्राप्त होगा, जिसकी वजह से मन आपका अच्छा रहेगा, आपको कोई तकलीफ महसूस नहीं होगी, चाहे आपके ऊपर कोई कितना हावी होने की कोशिश करे, इस समय में फैमिली का फुल सपोर्ट आपके साथ रहने वाला है। कुछ लोगों को घर को लेकर के थोड़ा ध्यान देना है, अगर आपने अपना घर जो है वो रेंट पे दे रखा है तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है आपको। अगर आपने अपने घर को रेंट पे ले रखा है तो वहाँ भी थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोगों को अपने मंदिर पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जोत को बिल्कुल भी खाली ना छोड़े, वहाँ थोड़ी आग लगने की संभावना है, उस दिशा में आपको सतर्क रहना है। इस अक्टूबर के महीने में कुंभ राशि वालों, सूर्यदेव की विशेष कृपा आप पे रहेगी, चंद्रदेव की भी रहेगी, लेकिन सूर्यदेव की कुछ विशेष ही कृपा दिख रही है, तो उनको रोजाना नमन करना ना भूले, पिता के साथ आपके संबंध अच्छे हो। मीन राशि वालों, थोड़ा सा सावधान रहने की समय में आपको आवश्यकता है, धन संबंधी हानि आपको हो सकती है, काफी समय से भी चल रहा है कुछ ना कुछ धन को लेकर के आपका स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन इस मंथ भी शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा ख्याल रखेंगे ताकि कोई नुकसान आपको धन का ना हो जाए, किसी नई जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे अक्टूबर का महीना चढ़ेगा, वैसे वैसे आप देखेंगे चीज़ें आपके लिए बेटर हो रही हैं, और बेटर से धीरे धीरे करके और बेटर होती जा रही हैं आपके लिए। आपकी जो लवर हैं या स्पाउस हैं या जो फीमेल फ्रेंड है, वो बहुत हेल्पफुल रहेंगी इस समय में, उनसे आपको काफ़ी लाभ होता दिखाई दे रहा है। किसी जगह पर आपको बुलाया जाएगा जहां आपको सम्मान दिया जा सकता है, या चार लोगों से आपको मिलने जुलने का, उनके बीच में बैठने का अच्छा योग बनेगा। बिजनेस को लेकर के, जॉब को लेकर के, अगर जॉब ढूंढ रहे हैं तो अक्टूबर महीना बहुत अच्छा है, अच्छी जगह आपको एक जॉब मिल सकती है, घर से थोड़ी दूर हो सकती है लेकिन अच्छी जॉब आपको मिल सकती है। बिजनेस को लेकर के चिंतित है, बहुत समय से स्टैग्नेंट है, अच्छा नहीं है, आगे नहीं बढ़ रहा, कोई ग्रोथ नहीं है, तो अक्टूबर के महीने में ग्रोथ जो है वो आप पकड़ सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपको एक प्रपोजल आएगा, उस प्रपोजल को आप रिजेक्ट कर देते हैं या एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर एक्सेप्ट करते हैं तभी ग्रोथ के चांसेस आपके बनेंगे। फैमिली के साथ गेट टुगेदर हो सकता है, अच्छा समय रहेगा फैमिली के साथ, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कुछ खास जो भी, जिसको भी आप फ्रेंड मानते हैं, बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, उनसे मुलाकात आपकी अक्सर होगी अक्टूबर के महीने में। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ इस समय में अच्छी नहीं रहेगी, तो थोड़ा हेल्थ का ख्याल रखें, कमजोरी होना, चक्कर आना, ब्लैकआउट होना, हड्डियों से संबंधी समस्या भी हो सकती है, और आपकी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करनी पड़ सकती है, उसका थोड़ा ख्याल रखें। कुछ लोग आपको इस समय में ट्रिक करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि ये सामने वाला आपको ट्रिक कर रहा है और आपसे झूठी मदद लेने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ऐसी सिचुएशन आपके सामने आएगी, ये आपको कोई ऐसा बोलेगा, प्रॉमिस करेगा कि आगे चल के इस चीज़ को खरीदने से आपको बहुत लाभ होगा, जबकि वो चीज़ आपके काम की नहीं है, और ये बात आप खुद जानते हैं, केवल उसकी हेल्प करने के लिए ही आप उसे खरीदेंगे।
इस समय में शॉर्टकट की तरफ बिल्कुल ना देखें, धर्म के मार्ग पे चलते रहें। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो खुद अधर्म करता है उससे दूर रहें, यानी कि कोई व्यक्ति अगर गलत कर्म कर रहा है, आपको मालूम है ये अच्छा काम नहीं करता है, उससे अक्टूबर में डिस्टेंस बना लें, नहीं तो उसके साथ साथ आप भी फंस जाएंगे। इस समय में कुछ लोग कोई धार्मिक अनुष्ठान का प्रारंभ कर सकते हैं, कोई मंत्र प्रारंभ कर सकते हैं, और खास करके कुछ लोग गीता जी पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो हो सकता है आप गीता जी को दोबारा पढ़ना प्रारंभ कर दें, नहीं तो श्रीमद् भागवत महापुराण को अपने घर ला करके, श्रीमद् भागवत गीता को अपने घर ला के आप उसका पाठ करें। जो लोग क्रिएटिव फील्ड्स में हैं, यूट्यूबर हैं, कंटेंट राइटर हैं, ब्लॉगर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। आपकी क्रिएटिविटी दुनिया के बीच में जानी जाएगी। ये समय उन लोगों के लिए जो डांसर्स हो गए हैं, सिंगर्स, पोएट्स, सबके लिए बहुत अच्छा है जो क्रिएटिव लोग हैं। तो आपकी जो ख्याति है वो बढ़ेगी, और अगर आप कोलैबोरेशन करते हैं, कुछ लोगों के साथ जुड़ के ऐसा काम करते हैं, टीम वर्क में करते हैं, तो और जल्दी ये ख्याति आपकी फैलेगी। इस समय में आप भगवान से जो भी मांगेंगे वो विश आपकी पूरी होगी, वो इच्छा, वो मन्नत आपकी पूरी होगी। तो अगर कोई समस्या है, बहुत समय से आपको परेशान कर रही है, तो भगवान के चरणों में अक्टूबर में रख दो, पूरी तो ज़रूर हो जाएगी। इस समय में कई सारे लोगों से फ्रेंडशिप करने को आपको मौका मिलेगा, खासकर की जो फीमेल्स हैं, ऐसे किसी जगह जा सकते हैं जहाँ बहुत सारी फीमेल्स हो और उनके साथ जान पहचान बढ़ाने का आपको मौका मिले। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, रिलेशनशिप में अड़चन आ रही है, तो भी अच्छा होगा, रिलेशनशिप आपका इस समय में बेटर होगा। इस समय में घर को लेकर के अच्छी खबर आपको प्राप्त होगी, कुछ लोग घर ले सकते हैं, कुछ लोग घर की तरफ आप एक और कदम बढ़ा सकते हैं, या फिर अपने घर को सुंदर बनाने के लिए कुछ चीज़ें आप इकट्ठी कर सकते हैं। कर सकते